हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक कुख्यात अपराधी की हत्या, उसकी लाश के साथ निकाला गया एक जुलूस, और उसी जुलूस में एक अधिकारी की हत्या। बंदूक के जोर पर बैलेट पर राज करने वाले बाहुबली नेताओं की चुर्म गाथा में आज बारी है आनंद मोहन की। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। 26 साल पहले एक डीएम की हत्या करने वाले जुलूस की अगुवाई कर रहे थे पूर्व सांसद आनंद मोहन। बिहार का ये बाहुबली इस वक्त जेल में है और बाहर सियासी दांव खेल रहा है उसका परिवार। एक हत्या का आरोपी शख्स और सामने पुलिस फोर्स के साथ एक एसएसपी। बाहुबल का जोर इतना कि एसएसपी पर पूरी हिमाकत के साथ चारों तरफ मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच छोड़ दिया हाथ। ये तस्वीरें हैं 14 साल पहले, साल 2006 के जुलाई महीने की, और ये शख्स है आनंद मोहन, पूर्व सांसद और बिहार का बाहुबली आनंद मोहन। दबंगे की ये तस्वीरें एक झलक भर हैं उस हत्या के आरोपी नेता की, जो आज जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। बिहार के सहरसा जिले में पैदा हुए आनंद मोहन ने हाई स्कूल के वक्त से ही जोर आजमाना शुरू कर दिया था। 80 के दशक के आखिर तक आनंद मोहन राजपूतों में बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, और इस लोकप्रियता ने साल 1990 में जनता दल के टिकट पर उन्हें विधानसभा पहुंचा दिया। आनंद मोहन तब के दिग्गज कांग्रेसी नेता स्वर्गीय लहटन चौधरी को लगभग 65,000 के रिकॉर्ड मतों से हराया था। वर्ष 1993 में आनंद मोहन ने अपनी खुद की पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी का गठन किया था। वर्ष 1994 में वैशाली के संसदीय उपचुनाव के दौरान लालू यादव की पार्टी राजद की टिकट से पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह की पत्नी किशोरी के खिलाफ अपनी पत्नी लवली आनंद को मैदान में उतारा और अकेले एक दम पर चुनाव जीता। इसके साथ ही आनंद मोहन बिहार में अगड़ी जातियों के स्थापित नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। आनंद मोहन पर कई आपराधिक केस दर्ज किए गए, गिरफ्तारी, जेल और जमानत का सिलसिला चला। इस सफर में अभी सबसे बड़ा जुर्म होना बाकी था। एक तरफ राजनीति में पकड़ मजबूत तो हुई, लेकिन राजनीति में एंट्री के बाद भी अपराध ही आनंद मोहन की दुनिया बना रहा। 1994 में एक बाहुबली या कहें कुख्यात अपराधी की हत्या पर आनंद मोहन उसके लिए इंसाफ मांगने उतर गए, भीड़ के साथ जुलूस निकाला, लेकिन उसी भीड़ ने बीच राह कर दी एक डीएम की हत्या। ये वारदात है 26 साल पहले, साल 1994 की। 5 दिसंबर शाम 5:30 बजे का वक्त था, जब मुजफ्फरपुर के बाहुबली नेता कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला के शव के साथ निकाला गया एक जुलूस। छोटन शुक्ला की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसी छोटन शुक्ला के लिए इंसाफ मांगने निकले थे आनंद मोहन, लेकिन यहां हुई एक नाइंसाफी ने आनंद मोहन को पहले फांसी का फंदा और फिर उम्र कैद दे दी। मुजफ्फरपुर NH-28 पर थी लोगों की ये भीड़, और लोगों का गुस्सा चरम पर था। जुलूस के करीब से गुजरती है लाल बत्ती वाली एक गाड़ी। गाड़ी में मौजूद थे गोपालगंज के जिला अधिकारी जी कृष्णैया, जो किसी मीटिंग से लौट रहे थे। गुस्साई भीड़ गाड़ी पर टूट पड़ी।
पहले गोली चलाई गई और फिर ईंट पत्थरों की बरसात। इससे पहले कि कोई संभल पाता, डीएम को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप लगा कि डीएम पर हमले के लिए जुलूस में मौजूद कुछ नेताओं ने भीड़ को उकसाया। भीड़ की अगुवाई कर रहे थे खुद आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद। लवली आनंद तब वैशाली से सांसद थी। घटना के 13 साल बाद 1 अक्टूबर 2007 को 7 आरोपियों को इसके लिए पटना की अदालत ने दोषी ठहराया, जिनमें शामिल थे आनंद मोहन और उनकी पत्नी भी। के फैसले को हम सम्मान करते हैं। हमारी इस निर्णय से जरा सा भी कोर्ट के प्रति जो आस्था था उसमें जरा सा भी कोई कमी नहीं आई है। हम फैसले के अगेंस्ट करते हैं, आगे हम अपील में जाएंगे। जीत होता है, पराजित नहीं होता। उसके बाद आनंद मोहन ने ना सिर्फ इस हत्या के आरोप के खिलाफ हाई कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को खत्म करके आजीवन कारावास में बदल दिया। पिछले 14 सालों से लगातार आनंद मोहन जेल की सलाखों के पीछे हैं। कहा यह भी जाता है कि आनंद मोहन का बिहार की राजनीति में और खासकर अगड़ी जातियों में दबदबा अभी भी उसी तरीके से कायम है। 94 की इस घटना के बाद 13 साल राजनीति के साथ अदालतों जेलों के चक्कर लगे। साल 1995 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन बिहार पीपल्स पार्टी के टिकट पर 3 विधानसभा सीटों से लड़े और 3ों से हार गए। इसके बाद आनंद मोहन गिरफ्तार होकर जेल गए और फिर साल 1996 में जेल में रहकर ही लोकसभा का चुनाव जीत लिया। उस वक्त आनंद मोहन नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार थे। 2 साल नीतीश की पार्टी के सांसद रहने के बाद साल 1998 में आनंद मोहन ने पाला बदल लिया और लालू यादव के कैंप में शामिल हो गए। उस साल आनंद मोहन लालू के समर्थन से सांसद बने। इसके बाद आनंद मोहन कभी सांसद या विधायक नहीं बन पाए। पत्नी लवली आनंद भी चुनाव नहीं जीत पाई। राजनीति में ठिकाना नहीं मिलने से परेशान चल रही आनंद मोहन ने देहरादून में अपना बसेरा तो बनाया, लेकिन कृष्णैया हत्याकांड की आंच उन्हें झुलसाती रही। साल 2006 में आनंद मोहन का ये वीडियो सुर्खियों में छा गया। इन तस्वीरों में वो एक एसएसपी के साथ झड़प करते दिखे। दरअसल आनंद मोहन तब सहरसा जेल में जुडिशियल कस्टडी में थे और देहरादून की एक अदालत में पेशी के लिए उन्हें ले जाया गया था। बताया जाता है कि बीच में से ही वो गायब हो गए और बाद में पटना के एक होटल में उनकी मौजूदगी का पता चला। पटना के तत्कालीन एसएसपी कुंदन कृष्णन पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचे और दोनों के बीच झड़प हो गई। आनंद मोहन ने एसएसपी पर हाथ छोड़ दिया। इस घटना पर लालू प्रसाद यादव को भी अपने विरोधी आनंद मोहन के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया था। ये बहुत गंदी बात है, कानून का पालन करना चाहिए। और जो पुलिस ने जो एक्शन किया वो सही एक्शन किया है। ये लोग बिहार की छवि खराब करने वाले लोग हैं। ये कुछ ऐसे लोग थे, आप जानते हो कि इमेज बिहार का नेता का ओढ़नी पहन करके इन लोगों ने विगत दिनों में हमारे शासन में भी लोगों ने बड़ी गंदी हरकतें की। कहानी में ट्विस्ट, जिस लालू और आनंद मोहन की आपस में ठंती थी, जिस लालू के खिलाफ ही राजनीति करके आनंद मोहन हीरो बने थे, अब बदलते वक्त के साथ उन्हीं की लालटेन से हो गया है उजाला। आनंद मोहन के घर में समझे नहीं। साल 2005 में लालू के कथित जंगल राज को उखाड़ फेंकने में एकजुट हुए बिहार के विपक्षी नेताओं के संघर्ष में महत्वपूर्ण आनंद मोहन की अहम भूमिका रही थी और तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। और आज 15 साल बाद उन्हीं आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और बेटा चेतन आनंद को सौंप दी गई है राष्ट्रीय जनता दल की लालटेन। राबड़ी देवी ने सहरसा में लालटेन जलाने का सिंबल लवली आनंद को थमाया है तो शिवहर से बेटे चेतन आनंद को लालटेन जलाने का जिम्मा सौंपा है। खुले मन से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं और ये कहने के लिए अपने लोगों को, आनंद मोहन जी के समर्थकों को, कि ये सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, नीतीश सरकार, ये ने धोखा देने का काम किया है। आज जितने पुरुषार्थी हैं उनको जेल भेज करके
ये जेल भर करके सरकार शासन चला रहे हैं तो जनता जवाब देगी। क्या आपको पहले से तय था आरजेडी चुनना या अलग अलग पार्टी से बात हुई, बात नहीं बनी और फिर आरजेडी में जाकर बात बनी? देखिए, ये आपके लिए भी उतना ही सरप्राइजिंग था जितना मेरे लिए सरप्राइजिंग था। हम लोग उधर गए, बात व्यवहार मतलब आपस में जो कनेक्शन हुआ और उस कनेक्शन को देखते हुए हमको लगा कि हाँ, ये हमारे लिए सबसे अच्छा जगह है, क्योंकि बहुत टाइम तक हम लोग बहुत अनेकों पार्टियों से धोखा खा चुके हैं। ये पहला ऐसा महसूस हुआ कि हम घर पे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और सबको साथ लेके चलेंगे, सबका मान सम्मान का ख्याल रखेंगे, सहरसा में विकास लाएंगे, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। पिछले 14 सालों से आनंद मोहन जेल में उम्र कैद काट रहे हैं। अब तक आनंद मोहन सहरसा जेल में थे, लेकिन हाल ही में उन्हें भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया। आनंद मोहन के गृह जिले से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रही पूर्व सांसद और उनकी पत्नी लवली इसे राजनीतिक साजिश बताती हैं। सरकार घबरा गई है और हम जब जीत रहे हैं, ये डिस्टर्ब करने के लिए गलत ढंग से अपना कानून का, अपना सत्ता का दुरुपयोग कर रही है सरकार, बिहार सरकार बौखला रही है। और बताइए, ये कहाँ का उचित है कि रात में सोए हुए में 2 बजे रात में आकर के बिना कोई सूचना का और उनको आनंद फानंद में सीधे दूसरा जेल भेज देना, भागलपुर भेज देना। लवली आनंद लगातार पति आनंद मोहन की सजा को भी अन्याय बताती रही हैं। वो अपने पति को बाहुबली मानने तक से इनकार करती हैं। बाहुबली, अगर बाहुबली आनंद मोहन जी हैं तो राम कृष्ण भगवान जो भी थे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे, तो राम भी तो बाहुबली थे, कृष्ण भी बाहुबली थे। कहाँ बैठना है? जेल में रहते हुए आनंद मोहन का साहित्यकार अवतार भी सामने आया। उनकी लिखी किताबें कैद में आजाद कलम, स्वाधीन अभिव्यक्ति और कहानी पर्वत पुरुष, दशरथ मांझी, सरीखी, कई रचनाओं ने लोगों के बीच काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। पर्वत पुरुष, दशरथ मांझी CBSE की 8वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है। आनंद मोहन के गांव पचगछिया के बगल में रहने वाले और जेल में 2.5 महीने साथ गुजारने वाले CPI नेता चंद्रशेखर ठाकुर के मुताबिक, आनंद मोहन के साथ जेल में रहने पर उन्होंने देखा कि आनंद हमेशा किताबें पढ़ा करते थे। मैं इनके साथ 2.5 महीना तक जेल में, सहरसा जेल में रहा हूँ। हम देखते थे जो पढ़ने की प्रति रुचि थी, व्यायाम करने, कसरत करने और पॉलिटिकल डिस्कशन भी हमसे वो करते थे, क्योंकि मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ। कभी भी ऐसा नहीं महसूस किया कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज, कोई क्रिमिनल बातचीत या कोई ऐसा मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। आनंद मोहन के जेल में जाने के बाद से उनकी पत्नी लवली ने कोई चुनाव नहीं जीता है, लेकिन अब बेटा भी माँ की सपोर्ट में कूद पड़ा है और जेल में आजीवन कारावास काट रहे आनंद मोहन भले ही चुनावी मैदान में मौजूद ना हो, लेकिन बीवी बेटे के चुनाव प्रचार में और समर्थकों के नारे में लगातार इस बाहुबली की उपस्थिति बनी हुई है। बाहुबली छवि वाले सांसद से साहित्यकार बने आनंद मोहन तो सलाखों के पीछे है। अब बिहार का वोटर लंबे वक्त से जीत की आशा रखने वाली उनकी पत्नी या फिर उनके बेटे की इच्छा पूरी करेगा, ये वक्त बताएगा। खैर, कल फिर लौटेंगे एक और बाहुबली की कहानी के साथ, और जिसका गहरा नाता है आनंद मोहन की भी कहानी से। नमस्कार।